आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के बाद फ्रेश एपिसोड में। और एक बार फिर लाओ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज, तो चलिए कुछ सीखते हैं। दोस्तों बात करते हैं पर कल के पुराने पोल की। तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं आप सभी लोगों को जो टेक न्यूज का वीडियो देता हूँ रात 9 बजे तो थोड़ा लेट हो जाता है यार, आप सभी लोगों को कैसा फील होता है? तो आप में से 20% लोगों ने कहा भाई मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है, और 80% लोगों ने कहा भाई मुझे अपना काम ठीक से करना चाहिए। तो यार आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कि भाई जो मेरा एक्चुअल टाइम रहता है रात 9 बजे वीडियो देने का, यानी टेक न्यूज वीडियो जो देने का, तो थोड़ा कुछ काम की वजह से फंस जाता हूँ, इसलिए आपको एक्चुअल टाइम पर वीडियो नहीं दे पाता हूँ। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आप सभी लोगों को रात 9 बजे एक्चुअल टाइम पर वीडियो अपलोड करके दे दूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई आप सभी लोग जो अपना ईमेल एड्रेस यूज करते हैं वो @gmail.com पर चलता है या फिर किसी अन्य डोमेन पर? तो आप में से आपका क्या राय है बताएगा अपनी पूरी राय ऊपर दिए गए पोल में नीचे कॉमेंट्स में, और सारी बातें मिला लो, दबा दो इस लाइक बटन को थोड़ा प्यार से और थोड़ा जोर से। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपडेट निकल कर रहता है रियलमी की तरफ से, और दोस्तों रियलमी ने अपने रियलमी U1 को लेकर यहाँ पर कुछ डिस्काउंट कर दिए हैं। यानी रियलमी U1 का जो दोनों वेरिएंट है 3/32 और 4/64 वाला, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलने जा रहा है। यानी 3/32 वाला अब आपको मिलने जा रहा है 9,999 रुपये में, और जो 4/64 वाला है ये आपको मिलने जा रहा है 11,999 रुपये में। घुमा फिरा कर अगर बात को सोचे समझे कहें तो भाई बात यही है, तो पुरानी बात है रियलमी U1, लेकिन यहाँ पर नया बात ये है कि भाई रियलमी 3 प्रो स्मार्टफोन कब आता है इंडिया में, देखते हैं इसका क्या प्राइस रहता है। क्या ये बात सही हो सकता है कि भाई रियलमी 3 प्रो का जो प्राइस है इंडिया में कब आएगा, और क्या ये बात सही हो जाएगा कि इसका भी प्राइस कुछ कम हो जाए इंडिया में? तो यार मजे की मजे, एकदम खुशी की खुशी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है नोकिया की तरफ से। और दोस्तों नोकिया ने अपना स्मार्टफोन नोकिया X70 ताइवान में लॉन्च कर दिया है। ताइवान में लॉन्च किया है, इंडिया में लॉन्च नहीं किया है। और बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको मिलने जा रहा है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 616 प्रोसेसर। और प्राइस की बात करें यार तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, आप सबको कैसा लग रहा है बताएगा पूरी कहानी नीचे कमेंट्स बॉक्स में। प्राइस भैया ये आपको मिलने जा रहा है 24,000 से 25,000 रुपये के करीब, अगर इंडियन करेंसी में बात करें, क्योंकि मैंने तो ताइवान करेंसी के बारे में बताया नहीं। लेकिन यार यहाँ पर बात यही आ रही है कि ये आपको 24,000 से 25,000 रुपये के करीब में मिलेगा। देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आता है और इसका मार्केट वैल्यू कितना होता है इंडिया में। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट के, निकल कर आता है जीमेल को लेकर। दोस्तों जीमेल का यहाँ पर हो चुका है पूरा का पूरा 15 साल कंप्लीट। तो भाई यार आप जीमेल भाई आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, क्योंकि आपका 15 साल यहाँ पर हो चुका है पूरा कंप्लीट। और दोस्तों आप सभी लोग भी इनको जरा विश कर दीजिए, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। हैप्पी बर्थडे आप बस एक ही आप बोल सकते हैं एक ही तरीके से कि आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक लाइक आप तक पहुँचा दें। हमने मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइक है आपका ये उन तक पहुँच जाएगा हैप्पी बर्थडे का विश। तो बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है शाओमी की तरफ से। और दोस्तों शाओमी ने अपना वॉकी टॉकी लॉन्च कर दिया है चाइना में। भाई प्राइस तो मेरे हिसाब से अभी कुछ कंफर्म है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा अंदाजा जो अगर लगता है कि इसका प्राइस होना चाहिए कम से कम 3,500 से 4,000 रुपये के करीब, क्योंकि बहुत सारे जितने सारे वॉकी टॉकी होते हैं कुछ और ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका प्राइस अगर रखना चाहिए तो 4,000 साढ़े 3,000 4,000 जो भी रखना चाहते हैं। ये तो भाई शाओमी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और बात करते हैं इसके कुछ रेंज की वॉकी टॉकी का, तो ये आपको मिल रहा है 1 किलोमीटर तक का रेंज आपको, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में रहकर आप वॉकी टॉकी का यूज कर सकते हैं। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये आपको इसमें मिल रहा है 15 घंटे का कैपेसिटी, 15 घंटे का बैटरी बैकअप, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप वॉकी टॉकी यूज करना चाहते हैं शाओमी का तो आप इसको यूज ही कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है शाओमी की तरफ से। और दोस्तों यार पता नहीं क्या क्या शाओमी यार यहाँ पर लॉन्च करता रहता है। शाओमी ने यहाँ पर दोस्तों लॉन्च कर दिया है चाइना में अपना शाओमी कुकर, पता नहीं क्या क्या लॉन्च करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि शाओमी एकदम हम लोग दिल से कहेंगे, एकदम जन्नत से चाहे जो रहेगा हम लोग खुलकर कहेंगे कि मैं शाओमी का बनियान पहनता हूँ, शाओमी का अंडरवियर पहनता हूँ। मुझे तो यही लगता है कि शाओमी एक समय ऐसा आएगा कि अपना अंडरवियर, स्पोर्ट टी शर्ट, शर्ट्स ऐसे पता नहीं क्या क्या लॉन्च कर ही देगा। तो बात करते हो तो अलग की मजाक की बातें हो गई, लेकिन यहाँ पर शाओमी ने लॉन्च कर दिया अपना कुकर चाइना में। बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल जाता है PUBG 2 को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर PUBG 2 को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, बोले तो PUBG 2 के
दूसरे वर्जन को लेकर, तो भाई यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी कि पबजी अपना जो दूसरा वर्जन है पबजी 2 को लेकर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर पबजी के जो क्रिएटर हैं मिस्टर ब्रेंडन ग्रीन ने, उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में कुछ विचार नहीं कर रहा हूँ पबजी 2 को लेकर, यानी बोले तो पबजी 2 के दूसरे वर्जन को लेकर, यानी कि आप इस प्रेजेंट टाइम में पबजी बस खेल ही सकते हैं, यानी पबजी मोबाइल को खेल ही सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही नहीं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में यही।